हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद उवैस आलम, एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी ईसीजी के बारे में, उसका पार्ट वन जिसमें हमने कंप्लीट किया था, ईसीजी की डेफिनेशन देखी थी और ईसीजी मशीन के बारे में जाना था, इलेक्ट्रोड्स के बारे में जाना था, लीड्स के बारे में, और जो अलग अलग वेव्स होती हैं पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, उन सबको देखा था और उनका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन देखा था। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ईसीजी का, उसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं जो इसके इंटरवल्स और जो सेगमेंट बचे हैं उनका क्या क्या नॉर्मल ड्यूरेशन होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में और उनका क्या क्या क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरवल्स एंड सेगमेंट इन ईसीजी। तो पहला जो इंटरवल होता है, इन सबको आपको कॉपी में लिखना है क्योंकि इनका बहुत बार क्लिनिकल यूज़ आ जाता है एमसीक्यू की फॉर्म में, और अगर पूरा ईसीजी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए इंटरवल क्या मतलब क्या होता है, इंटरवल का मतलब होता है किसी एक टाइम से लेके दूसरे टाइम तक, उसमें वेव भी आ सकती है और एक आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट भी आ सकता है। पहले सेगमेंट देख लेते हैं। सेगमेंट क्या होता है, एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है। आइसोइलेक्ट्रिक मतलब जब कोई भी करंट हार्ट के थ्रू पास नहीं कर रहा होगा, यानी हार्ट जिस टाइम पर रेस्टिंग कंडीशन में होगा उसको कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट। तो अलग अलग आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के टाइम पर देखने को मिलते हैं, यानी ईसीजी में देखने को मिलते हैं। पहला होता है पीआर सेगमेंट, दूसरा होता है एसटी सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट होते हैं, यानी इस बीच में हर्ट कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी पोटेंशियल चेंज वहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। इसलिए बहुत बार देखा होगा आपने जब ईसीजी चल रही होती है, जो बहुत सारे मूवीज़ में भी दिखाया जाता है, जब एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो उस टाइम कहते हैं कि पेशेंट की डेथ हो गई है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर इसका मतलब ये होता है कि हर्ट ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना बिल्कुल बंद कर दिया है और अब कोई भी पोटेंशियल का चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर वेव आ रही हैं, पहले पी वेव, फिर क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, फिर टी वेव, इसका मतलब ये नॉर्मल है, यानी यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट भी हैं और पोटेंशियल का चेंज भी आ रहा है ड्यू टू जनरेशन ऑफ द सिग्नल्स बाय द हर्ट। तो ये नॉर्मल होता है। तो अब ये जो सेगमेंट हैं इनकी भी कुछ नॉर्मल ड्यूरेशन होती है। और इंटरवल में क्या होता है, एक जो वेव्स थी हमने देखी थी, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, जब एक वेव और आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट को जोड़ दिया जाता है तब बन जाता है वो इंटरवल। जैसे पहला इंटरवल है पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो पीआर के शुरू होने से, पी वेव के शुरू होने से पहले और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के शुरू होने से पहले इस बीच का जो इंटरवल होगा उसको कहते हैं पीआर इंटरवल। उसी तरह से क्यूटी इंटरवल क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के शुरू होने से पहले और टी वेव के लास्ट होने तक जो ड्यूरेशन होती है उसको कहते हैं क्यूटी इंटरवल। इसी तरह से जो पीआर सेगमेंट है वो एंड ऑफ पी वेव से बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तक कहलाता है पीआर सेगमेंट, और ये पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद एंड ऑफ एस वेव से बिगिनिंग ऑफ टी वेव तक एसटी सेगमेंट कहा जाता है। अब इनकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो सब हमको याद करनी है क्योंकि वो पूछी जाती है और उसका क्लिनिकल यूज़ भी रहता है। तो पहला क्या है, पहला है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल जो हमने देखा था कहाँ से, बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ये वही लिखा है। इसकी नॉर्मल जो ड्यूरेशन है, अगर क्यूआरएस आप ईसीजी में देखेंगे तो इसकी जो पीआर इंटरवल की नॉर्मल ड्यूरेशन है, अगर 0.12 सेकंड से 0.2 सेकंड के बीच में आ रही है इसका मतलब ये नॉर्मल है, और इससे अगर कम होती है या बढ़ती है तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल है। अब इसका काम क्या होता है, मतलब जो पीआर इंटरवल है वो डिनोट क्या कर रहा है, वो डिनोट करता है एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन टाइम, यानी जो एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रहा था प्लस जो एवी नोड के थ्रू कंडक्शन हो रहा है। तो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एट्रियल डीपोलराइजेशन प्लस एवी नोड के थ्रू कंडक्शन, तो ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, पीआर इंटरवल, एट्रियल डीपोलराइजेशन पी वेव के थ्रू और बाकी जो पी क्यू सेगमेंट बचा पीआर सेगमेंट उसमें क्या है, एवी नोड के थ्रू कंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरऑल क्या कर रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन प्लस एवी नोड के थ्रू कंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है पीआर इंटरवल। अगला आता है क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल जो अभी हमने देखा था कहाँ से, बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टू एंड ऑफ टी वेव तक, इसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन है 0.35 टू 0.43 सेकंड होती है, और ये रिप्रेजेंट क्या करती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के बीच में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अगला आता है पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल क्या होता है, बीच बिटवीन टू सक्सेसिव आर वेव। जब हम ईसीजी देखेंगे तो ईसीजी में क्या होता है, पहले पी वेव आएगी, फिर क्यू, आर, एस, फिर टी वेव, अगेन पी वेव आएगी, फिर क्यू, आर,
एस एंड टी। अब यहाँ पर ये क्या थी, एक आर वेव और ये क्या थी, दूसरी आर वेव। अब इन दोनों आर वेव के बीच में जो टाइम होता है उसको कहते हैं क्या, पी आर इंटरवल। और इस पी आर इंटरवल का मतलब होता है कि हर्ट ने अपनी एक बीट कंप्लीट कर दी है, और इसी आर आर इंटरवल की बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, हर्ट रेट कैलकुलेट करते हैं कि हर्ट रेट पेशेंट का कितना चल रहा है। मतलब सिर्फ ईसीजी को देखकर हम बता सकते हैं कि पेशेंट का जो है हर्ट रेट कितना चल रहा है। अब ये कैसे करते हैं, इसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 0.6 to 1 सेकेंड। अब ये यूज़फुल होता है हर्ट रेट को कैलकुलेट करने में। अब ये कैसे हो रहा है इसको देखते हैं मिनट। अब जो हर्ट रेट है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो ईसीजी पेपर है हमें उसकी स्पीड पता है कितनी, 25 मिलीमीटर पर सेकंड होती है। और हर्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, यानी एक मिनट में कितनी बार हर्ट ने बीट किया। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो ईसीजी पेपर है वो एक मिनट में कितना चल गया है। तो एक मिनट में जो वो चला है उसकी निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। टाइम कितना, 60 सेकंड इंटू 25 मिलीमीटर, वो एक सेकंड में चल रहा है, तो ये 1500 मिलीमीटर चल जा रहा है। और हमें पता है एक स्मॉल स्क्वायर कितना होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। तो उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हर्ट रेट, यानी एक मिनट में हमने जो डिस्टेंस कवर की है वो है 1500 मिलीमीटर, या फिर हमको इसको कह सकते हैं 1500 स्मॉल स्क्वायर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 मिलीमीटर का मतलब 1 स्मॉल स्क्वायर है, अपॉन आरआर इंटरवल, मतलब दो आरआर वेव्स के बीच में, जो आरआर वेव्स थी उन दो के बीच में नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स कैलकुलेट करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे अगर 1500 को, तो हमारा आ जाएगा क्या, हर्ट रेट। तो ये है कैलकुलेट करने का तरीका। अब अगला आता है करेक्टेड क्यूटी इंटरवल। करेक्टेड क्यूटी इंटरवल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसको करेक्ट किया था बेजेट, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने, और बेजेट फार्मूला के थ्रू इसे कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि द क्यूटी इंटरवल चेंजेस विद हर्ट रेट। जैसे जैसे हर्ट रेट चेंज होती है तो क्यूटी इंटरवल चेंज होता है। ये इट शॉर्टन्स एज फास्ट एन द हर्ट रेट, अगर हर्ट रेट बढ़ता है तो जो क्यूटी इंटरवल कम हो जाता है, और क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है अगर हर्ट रेट स्लो है तो। तो इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है क्यूटी इंटरवल को, वो है क्यूटी इंटरवल इज इक्वल्स टू क्यूटी, मतलब जो नॉर्मल क्यूटी इंटरवल होगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ आर आर इंटरवल। जो आर आर इंटरवल होगा उसका अंडर रूट कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे जो नॉर्मल क्यूटी इंटरवल था, उससे हमें क्या मिल जाएगा, करेक्टेड क्यूटी इंटरवल। अब जो करेक्टेड क्यूटी इंटरवल है उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए नॉर्मल के लिए, लेस देन और इक्वल्स टू 0.44 सेकेंड होनी चाहिए। और यही हमने देखा था, नॉर्मल कितनी थी, 0.35 से 0.43 के बीच में होनी चाहिए, तब हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल मानते हैं। अगला क्या है, पी आर सेगमेंट। अब जो पी आर सेगमेंट था वो कहाँ से था, एंड ऑफ पी वेव टू बिगनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अगला क्या है, ये डिनोट क्या करता है, अब ये जो डिनोट करता है वो ए बी नोडल कंडक्शन के जो हो रहा है उसमें डिले को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो ए बी नोडल डिले है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, पी आर सेगमेंट। अगला क्या होता है, एस टी सेगमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ एस वेव और जे पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ टी वेव। अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है जे पॉइंट, जैसे ये पी वेव थी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और उसके बाद टी वेव। अब ये जो पॉइंट है, ये एस वेव के बिल्कुल जस्ट खत्म होने के बाद ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं जे पॉइंट। यहाँ से टी वेव के शुरू होने तक इस सेगमेंट को कहते हैं क्या, एस टी सेगमेंट। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है पहली बात, तो अगर सेगमेंट है तो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होगी। डिनोट द प्लेट्यू फेस ऑफ वेंटिकुलर एक्शन पोटेंशियल, जो वेंटिकुलर एक्शन पोटेंशियल होता है उसका प्लेट्यू को रिप्रेजेंट करता है ये। अब देखेंगे इनका जो इंटरवल्स और सेगमेंट थे उनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए। तो एबनॉर्मलिटीज ऑफ पी आर इंटरवल, प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, ये जो पी आर इंटरवल था वो ज़्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है। और अगर पी आर इंटरवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो ए वी नोडल डिले था वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये सम किसका था, एट्रियल डिपोलराइजेशन प्लस ए वी नोडल डिले, उन दोनों का सम था। अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वेंट्रिकल्स को इम्पल्स जा रहा है वो थोड़ा देर में पहुँच रहा है। इसी से हम डायग्नोस करते हैं क्या, हार्ट ब्लॉक। इससे हमें पता लगेगा कि हार्ट ब्लॉक है या नहीं है। कई तरह का हार्ट ब्लॉक होता है, इसमें जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें क्या होता है, जो पी आर इंटरवल ज़्यादा हो जाता है 0.2 सेकंड से। हमने नॉर्मल ड्यूरेशन इसकी क्या देखी थी, 0.12 सेकंड से 0.20 सेकंड तक ये नॉर्मल रहता है। अगर 0.2 सेकंड से बढ़ जाती है इसका मतलब ये अबनॉर्मल है। और अगर सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ी है लेकिन एवरी पी वेव के बाद हमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक है। दूसरा होता है सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक, इसमें क्या होता है, जो पी आर इंटरवल है वो बढ़ता रहता है जब तक एक मिस्ड बीट ना मिले। मिस्ड बीट का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल हम क्या देख रहे थे, पहले पी वेव, फिर क्यू आर एस, फिर टी वेव। इसमें क्या होता है, पहले पी वेव आएगी, क्यू आर एस आएगा, फिर टी आएगा। अगली बार पी आर इंटरवल क्योंकि बढ़ रहा था, इस बार और बढ़ता रहेगा जब तक कि एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लॉस ना हो जाए। मतलब कुछ इस तरह से होगा, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पी वेव, ये बढ़ जाएगा और यहाँ पर मिस्ड बीट आ जाएगी और टी वेव आ जाएगी डायरेक्ट, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लॉस्ट हो जाएगा।
यहाँ पर इसी को कहते हैं मिस्ड बीट, यानी अगर QRS कॉम्प्लेक्स लॉस्ट हो जाता है तो। अब जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है इसमें भी कई टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, मोबिस टाइप वन। मोबिस टाइप वन को ही वेंकीबेक फेनोमेना भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो PR इंटरवल है वो बढ़ता रहता है जब तक एक QRS कॉम्प्लेक्स लॉस्ट ना हो जाए। इसी को कहा जाता है वेंकीबेक फेनोमेना। यहाँ पर ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर PR इंटरवल जो होता है वो बढ़ता गया जब तक एक QRS कॉम्प्लेक्स लॉस्ट नहीं हो गया। इसी को मिस बीट कहते हैं। अगला क्या होता है, मोबिस टाइप टू। अब मोबिस टाइप टू में भी दो टाइप के होते हैं, एक 2:1 और एक 3:1, जिसमें 2 P wave के बाद एक QRS कॉम्प्लेक्स लॉस्ट हो उसे 2:1 कहते हैं मोबिस टाइप टू, और अगर 3 P wave के बाद 1 QRS लॉस्ट हो तो उसको कहते हैं 3:1 ब्लॉक। यानी 3 P wave आ रही हैं तब उसके बाद, मतलब 3 नॉर्मल आ रहा है तब उसके बाद एक QRS कॉम्प्लेक्स लॉस्ट हो रहा है। और इन सब में क्या हो रहा है, PR के इलोंगेशन की वजह से एक मिस्ड बीट आ रही है, यानी QRS कॉम्प्लेक्स लॉस्ट हो जा रहा है। इसको कहते हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का मोबिस टाइप टू, क्योंकि इसमें भी दो टाइप थे, मोबिस टाइप वन मोबिस टाइप टू। अगला आता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। यहाँ आप इसको ग्राफ में भी देख सकते हैं, 2:1 वाला यहाँ दिखाया गया है, 2 के बाद एक QRS कॉम्प्लेक्स लॉस्ट हो रहा है। इसी तरह 3 वाले में भी 3 P wave के बाद एक QRS कॉम्प्लेक्स लॉस्ट होगा। अगला आता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, जो नॉर्मल SA नोड से इम्पल्स जनरेट हो रहा था फिर वो वेंट्रिकल के पास जा रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, SA नोड जनरेट ही नहीं करेगा, तो SA नोड इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा यानी वेंट्रिकल के पास पहुंच नहीं पाएगा। द कंडक्शन फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल इज टोटली ब्लॉक। एट्रियम से वेंट्रिकल पर बिल्कुल ही कंडक्शन नहीं जाएगा। इस केस में क्या होगा, जब वेंट्रिकल को कोई भी इम्पल्स नहीं बनेगा तो क्या करेगा, वेंट्रिकल अपना इम्पल्स जनरेट करेगा। तो वेंट्रिकल अपनी जो, और हमको पता है वेंट्रिकल की जो बीट होती है वो कम होती है, मतलब नंबर ऑफ बीट जो प्रोड्यूस करता है वो कम करता है कंपेयर टू SA नोड। तो इसी को कहते हैं इडियो वेंट्रिकुलर रिदम, यानी जो वेंट्रिकल है वो स्लो रेट पे बीट करना शुरू कर देगा। इसी को कहते हैं इडियो वेंट्रिकुलर रिदम बिकॉज सच ए लो वेंट्रिकुलर रेट। अब क्योंकि पहले से हाई वेंट्रिकुलर रेट पे चल रहा था तो ब्रेन को ब्लड मिल रहा था आराम से, सही परफ्यूजन हो रहा था, अब परफ्यूजन कम हो जाएगा। और नॉर्मली एकदम से जब परफ्यूजन कम होता है क्योंकि SA नोड से इंपल्स नहीं आ रहा है, तो अब जो ब्लड की सप्लाई है ब्रेन को कम हो जाएगी, तो कुछ लोगों को डिजीनेस हो जाती है, फेंटिंग हो जाती है। इसी को कहते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम। ये शॉर्ट नोट में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोक्स एडम सिंड्रोम। स्टोक्स एडम सिंड्रोम क्या होता है इसको फिर से देखो, यानी SA नोड से जो इंपल्स जनरेट हो रहा था वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुँच पा रहा है, अब क्या कर रहा है, वेंट्रिकल अपना स्लो रेट पर जो उसका प्रोड्यूस करने की क्षमता है उससे वो इंपल्स जनरेट कर रहा है, जिसको कहते हैं इडियो वेंट्रिकुलर रिदम। अब ये जो रिदम है वो क्योंकि कम रेट पे है तो अब ब्लड इतना ब्रेन को नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से डिजीनेस और फेंटिंग मिलेगी। इसी को कहते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम। यहाँ पर आपको देख रहा होगा, अब आप कैसे पता लगाएंगे ये थर्ड डिग्री ब्लॉक है, तो थर्ड डिग्री ब्लॉक में आप देखेंगे ना ये RR इंटरवल बढ़ गया होगा, यानी जो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट हैं बहुत कम हो गई होंगी, आपको उसी से पता लग जाएगा क्या कि यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया है थर्ड डिग्री। अगला एक होता है हिस बंडल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये जो हिस बंडल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है नॉर्मली हम नहीं करते हैं, ये करते हैं हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स में। जब हार्ट ब्लॉक का कोई पेशेंट आता है तब हम हिस बंडल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालते हैं। तो इससे क्या करते हैं हम, जो पहली बात इसको रखते कहाँ हैं, जो रिकॉर्डिंग के लिए जो प्लेस करते हैं हम इलेक्ट्रोड्स को वो ट्राइकस्पिड वॉल के क्लोज में रखते हैं। नॉर्मल ECG कुछ इस तरह का होता है और हिस बंडल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इस प्रकार का होता है, जिसमें ए वेव होती है, एच वेव होती है और वी वेव होती है। अब इसमें अलग अलग वेव का अलग अलग मतलब है, जैसे ए वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ए वी नोड एक्टिवेशन को, एच वेव रिप्रेजेंट कर रही है हिस बंडल एक्टिवेशन को, और वी वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है आपको, नॉर्मल इनकी ड्यूरेशन याद करनी है। जैसे PA इंटरवल ये रिप्रेजेंट क्या करता है, पी वेव से जो नॉर्मल ECG था उसमें पी वेव से ए वेव HBE मतलब हिस बंडल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जो ए वेव थी ECG की नॉर्मल पी वेव से हिस बंडल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की ए वेव तक, और ये क्या डिनोट करता है, SA नोड टू AV नोड कंडक्शन, या फिर इसे शॉर्ट में ऐसे समझो, यहाँ पर था हमारा SA नोड, फिर ये गया AV नोड के पास, फिर ये गया हिस बंडल। तो इन इंटरवल के थ्रू कुछ नहीं बताने की कोशिश की है, जो SA नोड से AV नोड है उसकी ड्यूरेशन इन्होंने बता दी कितनी, 27 सेकेंड, इसको रफली 30 सेकेंड भी लिख सकते हैं याद करने के लिए। अगला क्या आता है, यहाँ पर जो AV नोडल कंडक्शन टाइम है, यानी यहाँ पर AV नोडल डिले हमने देखा था ना कल भी, तो ये 100 मिलीसेकंड का अप्रॉक्स ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 92 है, अप्रॉक्स 100 मिलीसेकंड ले सकते हैं। अगला आता है HV इंटरवल, ये कितने अराउंड हम इसको 40 सेकंड का ले सकते हैं, जब AV नोड से हिस बंडल तक जाने का जो टाइम होता है उसको 40 मिलीसेकंड इसमें लिया जाता है। अब इनकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन है मतलब कहाँ से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी रफली तो आपको ये टाइम इसमें याद करना है। अगला आता है शॉर्टन PR। अभी हमने क्या देखा था,
जो पीआर इंटरवल बढ़ गया था। अब अगला आता है, अगर पीआर इंटरवल कम हो गया तब क्या होगा? तो पीआर इंटरवल जो कम देखने को मिलता है, अगर पीआर इंटरवल की ड्यूरेशन लेस देन 0.12 सेकंड हो जाएगी तो इसका मतलब कम है। अब ये नॉर्मली अगर किसी के पास वेगोलिटिक ड्रग चल रही है, वेगोलिटिक ड्रग का मतलब क्या होता है, जो हार्ट को सप्रेस करने वाली ड्रग्स हैं, वेगस नर्व होती है ना, वेगस नर्व का काम क्या होता है, पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलस करना यानी हार्ट रेट को कम करना, तो उसी इफेक्ट को कहा जाता है वेगोलिटिक इफेक्ट। और इसके लिए जो ड्रग होती है वो एट्रोपिन ड्रग होती है, तो अगर किसी पेशेंट में एट्रोपिन ड्रग चल रही है इसका मतलब उसका हार्ट रेट कम होने वाला है, तो पीआर इंटरवल ऑब्वियसली कम हो जाएगा। एक और केस इसमें देखने को मिलता है, WPW सिंड्रोम में भी पीआर इंटरवल कम होता है, जैसे कल भी बताया था हमने, और LGL सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है। WPW सिंड्रोम में क्या होता है, जो नॉर्मली अभी हमने देखा था SA नोड से इंपल्स जा रहा था AV नोड से जा रहा था हिस बंडल ऑफ हिस, और यहाँ पर क्या हो रहा था 100 मिलीसेकंड का AV नोडल डिले हो रहा था। इसमें क्या होता है WPW सिंड्रोम में जो डिले है वो बंद हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फाइबर बन जाते हैं SA नोड से बंडल ऑफ हिस के बीच में, जिनको कहा जाता है बंडल ऑफ केंट। इन बंडल ऑफ केंट के बनने की वजह से एक एडिशनल पाथ बन गया, तो यहाँ पर रुकेगा नहीं, अब रुकेगा नहीं तो जल्दी से ये जो इंपल्स SA नोड में जनरेट हुई थी बंडल ऑफ हिस पे पहुंच जाएंगी, तो अब क्या होगा, हमें जो पीआर इंटरवल है ऑब्वियसली कम हो जाएगा। और इसमें डेल्टा वेव हमको देखने को मिलती गई है, जिसमें अगर आपने नहीं देखी पिछली वीडियो देख लें, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। इसी तरह से लॉन्ग गैनोंग लेवाइन सिंड्रोम में भी आपको देखने को मिलेगा पीआर इंटरवल कम हो जाता है। अब आता है एबनॉर्मलिटी ऑफ क्यूटी इंटरवल, जो क्यूटी इंटरवल है उसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। अब जो क्यूटी इंटरवल है शॉर्ट हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, शॉर्ट किस कब कब देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया में, हाइपरकैल्सेमिया में, डिजिटालिस अगर ड्रग किसी चल रही है, हाइपरथर्मिया में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर किसी की बॉडी का हो गया है, हाइपरथर्मिया कहते हैं जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा किसी का तब कहते हैं हाइपरथर्मिया, एसिडोसिस अगर किसी को हो गया है तब भी क्या मिलेगा, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा। अगला आता है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, यानी कब हमें क्यूटी इंटरवल बड़ा देखने को मिल सकता है, ये देखने को मिलता है हाइपोकैल्सेमिया, ये थोड़ा याद करने की चीज़ें हैं। और जो अगर किसी की ड्रग्स चल रही हैं जैसे अमियोडारोन, क्विनिडीन, टर्फेनाडीन, सिज़ाप्राइड, अगर ये ड्रग्स चल रही हैं किसी के ट्रीटमेंट में तब भी क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग मिलेगा। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, रूमेटिक फीवर में, कंजेनाइटल सिंड्रोम लाइक रोमैनो वार्ड सिंड्रोम, जॉर्वेल लैंग नीलसन सिंड्रोम, इन सब में क्यूटी इंटरवल बड़ा देखने को मिलता है। अगला आता है एबनॉर्मलिटी ऑफ पीआर सेगमेंट, पीआर सेगमेंट की एबनॉर्मलिटी क्या क्या हो सकती हैं। डिप्रेशन ऑफ पीआर सेगमेंट, कॉमनली सीन एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, जो पेरिकार्डियम होती है ना हार्ट के ऊपर की कवरिंग उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, अगर उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको एक्यूट पेरिकार्डिटिस कहते हैं। एक्यूट का मतलब एकदम सडन हुआ है, तो उसमें हमें ये डायग्नोस्टिक फीचर मिलता है, और इसके साथ साथ एट्रियल इन्फेक्शन में भी पीआर सेगमेंट डिप्रेशन मिलता है। तो अगर किसी ईसीजी में आपको पीआर सेगमेंट डिप्रेशन मिल रहा है इसका मतलब या तो एक्यूट पेरिकार्डिटिस है या फिर एट्रियल इन्फेक्शन हो गया है, एट्रियम के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। अगला आता है एबनॉर्मलिटीज ऑफ एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो देखें। पहला हमने देखा था कि जे पॉइंट क्या था, ये जे पॉइंट था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के जस्ट खत्म होने के बाद जे पॉइंट होता है। जे पॉइंट इज पॉइंट व्हेन वेंट्रिकल्स आर कम्प्लीटली डोपोलाइज एंड रीपोलराइजेशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड। हमने क्या देखा था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, रीपोलराइजेशन। अब इन दोनों के बीच का टाइम है, यानी डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का कंप्लीट हो गया है और रीपोलराइजेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, यानी अभी कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट नहीं हुई है हार्ट में, इसी को कहते हैं क्या, जे पॉइंट को, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, ये याद रखना है, बहुत बार पूछ लेते हैं। और यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इफ़ देर इज़ अ मायोकार्डियल इंजरी, लेकिन अगर कभी मायोकार्डियल इंजरी होती है किसी पर्सन के अंदर तो यहाँ पर इंजरी करंट पास हो जाता है, और अगर इंजरी करंट पास होगा तो या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसीलिए जितने भी अगर किसी के मायोकार्डियम इन्फेक्शन हुआ है तब हम ज़्यादातर जे पॉइंट को देखते हैं और एसटी सेगमेंट को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन करंट या इंजरी करंट डेवलप होता है और ये फ्लक्चुएट करता है, या तो ऊपर मूव करेगा या फिर नीचे मूव करेगा। अगला था डिपेंडिंग ऑन द रीजन ऑफ इन्फेक्ट वेदर ट्रांसम्यूरल नॉन ट्रांसम्यूरल एसटी सेगमेंट चेंजेस आर मैनिफेस्टेड एसटी एलिवेशन और एसटी डिप्रेशन। ये कह रहे हैं कि अब डिपेंड करता है कि जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसम्यूरल है या नॉन ट्रांसम्यूरल है, तो एसटी सेगमेंट है वो ऊपर भी बढ़ सकता है और नीचे भी बढ़ सकता है। ईसीजी चेंजेस इन इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी, अभी तो हमने क्या देखा था कि नॉर्मल अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस हो जाए तब भी हमें ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये कौन कौन से चेंजेस हैं, तो है हाइपर कैलेमिया, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और कैलेमिया मतलब पोटेशियम, तो पोटेशियम की कंसनट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा अगर सीरम के अंदर हो गई है तो उसको कहते हैं हाइपर कैलेमिया। तो इसमें आपको देखना हो क्या क्या मिलता है, क्लिनिकल फीचर्स आपको याद करने हैं, बहुत बार एमसीक्यू में और वाइवा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हाइपर कैलेमिया में ईसीजी के चेंजेस बताओ। तो आपको टॉल टी वेव मिलेगी पहली बात, सबसे पहले मोस्ट कंसिस्टेंट होगी एंड
कैरेक्टरिस्टिक ईसीजी एबनॉर्मलिटी होगी। अगर हाइपरकैलेमिया है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, टॉल टी वेव होगी, इसका मतलब हाइपरकैलेमिया है, हो सकता है अगर आप ईसीजी में देखेंगे कि टॉल टी वेव देखने को मिल रही है। दूसरा क्यूटी इंटरवल शॉर्ट मिलेगा, क्यूटी इंटरवल कम हो गया है, टी वेव बढ़ गई है, इसका मतलब आप कहेंगे हाइपरकैलेमिया। लो एम्पलीट्यूड ऑफ पी वेव, देखो एकदम छोटी सी पी वेव मिलती है, फ्लैट पी वेव भी कभी कभी कहा जाता है इसको, लो एम्पलीट्यूड पी वेव एंड प्रोलॉन्ग्ड एवी कंडक्शन। अब जो एवी कंडक्शन था वो बढ़ गया था, यानी यहाँ पर सेगमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पीआर सेगमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा। अगला हाइपोकैलेमिया, यानी अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तब क्या देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंट यू वेव, टी वेव का इन्वर्जन यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर टी वेव का इन्वर्जन हो गया तो आप कह सकते हैं कि हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम हो गया है। एस टी सेगमेंट डिप्रेशन, यहाँ पर क्या था पहले, इस तरह से था ना नॉर्मल, कुछ यहाँ से नॉर्मल रहता था, फिर टी वेव आती थी, अब यहाँ पर टी वेव का इन्वर्जन के साथ साथ एस टी सेगमेंट का डिप्रेशन भी हो गया, तभी ये इस तरह से बना है। और क्यूटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया है, और प्रोमिनेंट यू वेव आपको देखने को मिल रही है, ये देखिए प्रोमिनेंट यू वेव, अदरवाइज प्रोमिनेंट यू वेव नहीं देखने को मिलती है। अगला आता है हाइपरकैल्शेमिया, यानी जब सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाए तब ईसीजी में चेंजेस मिलते हैं। शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, जो क्यूटी इंटरवल है शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट भी कम हो जाएगा, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, और इंक्रीज क्यूआरएस वोल्टेज, क्यूआरएस का वोल्टेज का मतलब क्या होता है, जो ऊंची वेव आपको देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, वोल्टेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाइपोकैल्शेमिया, हाइपोकैल्शेमिया क्या होता है, जब सीरम का कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल और लेंथनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट की लेंथनिंग हो जाएगी। और एक और इसी चेंज होता है, अगर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, अगर सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो आपको लो वोल्टेज ईसीजी मिलेगा, लो वोल्टेज ईसीजी। तो बहुत बार एग्जामिनर पूछता है कि अगर लो सोडियम कंसंट्रेशन रखेंगे तो कैसा ईसीजी मिलेगा, तो लो वोल्टेज, या कह देते हैं लो वोल्टेज ईसीजी कब देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रेमिया में देखने को मिलेगा। तो यही था ईसीजी के बारे में, जितना अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें, और कोई अगर आप टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पर वीडियो चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई डाउट हो तो चैनल के जाकर आप पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर भी पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, बाकी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।